ना वो रेडी वाले के पास जाओ तो उधर क्यूआर कोड है, सब्जी वाले के पास जाओ, गोलगप्पे वाले के पास जाओ, वो तो कमाल, उधर पैसे पे करते हो यूपीआई, वो बड़ा जो कमाल का सिस्टम है। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स की एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री का सपना है डिजिटल इंडिया का, उस पर जो काम हुआ है जब से उनकी सरकार आई है 2014 से अब तक, जो उन्होंने डिजिटल इंडिया पे जो काम किया है, तो उसी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। अंग्रेजों की परंपरा की बदौलत सरकार और जनता के बीच में एक भरोसे की बहुत बड़ी खाई थी और इसलिए समय की मांग थी कि सामान्य मानवी की जिंदगी में से सरकार कम होती चली जाए, सरकार हटती जाए, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। 1 जुलाई 2015 देश ने देखा एक सपना। आई ड्रीम डिजिटल इंडिया वेयर हाई स्पीड डिजिटल हाईवेज यूनाइट द नेशन। आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया वेयर गवर्नमेंट इज ओपन एंड गवर्नेंस इज ट्रांसपेरेंट। आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया वेयर द वर्ल्ड लुक्स टू इंडिया फॉर द नेक्स्ट बिग आइडिया। बिफोर डिजिटल इंडिया हम भाग रहे थे सरकार के पीछे, आज सरकार आ रही है हम तक। बिफोर डिजिटल इंडिया गरीब आदमी के पास बैंक अकाउंट नहीं, मतलब गरीब हमेशा साहूकारों के सहारे। आज 45 करोड़ 72 लाख से अधिक जनधन बैंक खाते खोले गए हैं, जो है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कनाडा की कुल जनसंख्या से भी अधिक। बिफोर डिजिटल इंडिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अधिकतर बाहर से इंपोर्ट करता था, आज भारत दुनिया का ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर है और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट भी करता है। बिफोर डिजिटल इंडिया इंडिया में ओनली अ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स, आज 70,000 के करीब स्टार्टअप्स भारत में। बिफोर डिजिटल इंडिया देश में 11 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर, आज 28 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का जाल। इन 7 सालों में देश ने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था तो हम पेंडेमिक को हरा पाए। पर दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं कि आज डिजिटल इंडिया नहीं होता तो? डिजिटल इंडिया है तो आज इज्जत है, किसी के सामने हाथ फैलाए बिना डीबीटी से पूरा का पूरा पैसा सीधा खाते में आता है। सुन लो सरला, आ गई किसान सम्मान की तीसरी किस्त। क्या बात है, अगर डिजी लॉकर नहीं होता तो मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे मोबाइल में नहीं होते। भाई साहब मोबाइल डाटा एक प्लेट चार्ट से भी सस्ता हो गया, तभी तो हमारे बच्चे महामारी में भी घर बैठे पढ़ पाए। 5वीं पास हो चुका है बबलू। क्या बात है, उमंग ऐप है तो 1500 से ज्यादा सरकारी सेवाएं हमारे उंगलियों को छोड़ पर है। फोन पे ही सब हो जाता है ना। भला हो जो कोविन ऐप था तो हाथों हाथ टीके लगे। डिजिटल इंडिया ना ही ले लाइफ सर्टिफिकेट बना बोले भी ना पड़ेगी टेबल टेबल ग्राई थकी वो। डिजिटल इंडिया हा गाने गोटे भी बना वो पड़ा हुई से पेंसिल भी अही से सारी। If there was no digital India, today mobile phones would not have been made in small towns. There is no dream of a unicorn in Nagaland without digital India. कोरोना महामारी के दौरान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जो मदद मिली ना, उसी ने तो मेरी और मेरे परिवार की जान बचाई। सबका फायदा हुआ इससे। इन 7 सालों में हम लाइन से ऑनलाइन और क्यू से क्यूआर तक तो आ गए हैं। आज दुनिया के 40% डिजिटल लेन देन अकेले भारत में हो रहे हैं और हम लगातार यूपीआई ट्रांजेक्शन्स के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। टेलीमेडिसिन आज गांव गरीब के पास है, 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विसेज सेंटर्स देश के कोने कोने में ई सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से वन नेशन वन राशन कार्ड का सपना साकार हो रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से हमारा यूथ क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेहतर करने के सुझाव और इनोवेशन दे रहा है। पहले दुनिया टेक्नोलॉजी बनाती थी, हम इस्तेमाल करते थे,
आज हम दुनिया के ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब भारत का लक्ष्य है 100%। आने वाला डेकेड होगा टेकेड, जब सभी 130 करोड़ भारतीय इंटरनेट से जुड़े होंगे। हमारी सरकार पूरी तरह से डिजिटल होगी और सभी योजनाओं को सभी लाभार्थियों तक हाथों हाथ पहुंचा रही होगी। कोई छूटेगा नहीं, कोई रुकेगा नहीं। मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। AI, सेमीकंडक्टर, ड्रोन्स सेक्टर्स में लाखों स्टार्टअप्स मशरूम हो रहे होंगे। भारत की स्किल दुनिया के काम आएगी। गली गली से टेक्नो स्टार्स निकलेंगे जो भारत को दुनिया का टेक्नोलॉजी टैलेंट हब बनाएंगे। 2025 तक हम छलांग लगा चुके होंगे $1 trillion डिजिटल इकोनॉमी की ओर। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मेरा भी यही सपना है कि भारत में हर हाथ में स्मार्टफोन हो, हर खेत में ड्रोन हो और हर घर में समृद्धि हो। डिजिटल इंडिया कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड। जय हिंद। जय हिंद। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ये डिजिटल इंडिया पे, जो सरकार ने 2014 के बाद से ये मूवमेंट शुरू की है डिजिटल इंडिया की। और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी, लेकिन सभी जगह पे जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की संभावना है उसमें भी हम काम करें। और उससे कई सारे फायदे भी है। जो एक मिडलमैन होते हैं वो एक तो निकल जाते हैं, तो गरीब लोगों को भी जो बैंक में या कोई भी सरकारी काम के लिए भी ऑफिसेस में धक्के खाने पड़ते थे, वो भी अब उनको नहीं करना पड़ता है क्योंकि वो सब डिजिटल हो गया है। तो वो अपने ही फ़ोन से सब कुछ जानकारी भी ले सकते हैं। अगर कोई फॉर्म्स या कुछ भी सबमिट करना है तो वो भी सारा कुछ काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ना सिर्फ सरकार के लिए लेकिन हमारे पब्लिक के लिए भी अच्छी बात है कि उनको इतने ऑफिसेस के और जो कर्मचारी है उनकी दबाव में या ऐसा कुछ नहीं करना पड़े। और हमारे इंटरनेट का कॉस्ट भी तो सबसे कम है दुनिया में, तो सब अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म की और फोकस कर रही है। और जो UPI है वो तो एक मिसाल है, क्योंकि दुनिया की 40% जो डिजिटल ट्रांजेक्शन होती है वो हमारे यहाँ होती है, और हर साल वो हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और इतने सारे एडवांस वेस्टर्न कंट्रीज से उससे भी ज़्यादा हम डिजिटल फॉर्म्स का यूज़ करते हैं, तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है। और जो मोदी जी का सपना है कि 25 तक हम बहुत ज़्यादा डिजिटल हो जाएंगे, तो ये अच्छी बात है। ये एनवायरनमेंट के लिए भी एक तरीके से अच्छी बात है। और जो कागज़ों का बड़ा बड़ा अलमारियाँ सरकारी ऑफिस में पड़े रहती है, और जब उनका उनमें से कुछ खोजना रहता है तो भी बहुत वक्त लगता है, तो डिजिटल होने से जब भी जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको फ़ोन पे ही मिल जाए, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।